तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आज या कल है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हुए हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं और एग्ज़ाम में आने की पूरी उम्मीद है। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क किसी भी सेल का एड्रेस कहाँ होता है? नंबर एक है टाइटल बार में, बी नंबर स्टेटस बार में, सी नंबर फार्मूला बार और डी नंबर नेम बॉक्स में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं बताऊँ इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और लिब्रो ऑफिस जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम, मैं बता दूँ ये लिब्रो ऑफिस एक नया सिलेबस ऐड हुआ है पिछले कई महीनों से, लगातार लिब्रो ऑफिस से ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जितना भी हो सके मैं आपसे यही कहूँगा कि लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन ज़्यादातर पढ़ के जाइएगा। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में लगभग सब लिब्रो ऑफिस से ही हैं, तो आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो लिब्रो ऑफिस क्लर्क किसी भी सेल का एड्रेस कहाँ होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर नेम बॉक्स में, ठीक है। अब डीपली समझाने का टाइम नहीं, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो आप माइंड में सेट कर लीजिएगा क्वेश्चन और आंसर दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में आखिरी कालम का एड्रेस होता है, स्पेलिंग थोड़ी मिस हो सकती है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। भाई एल ओ हो गया, यहाँ पर एल आई होना चाहिए, टाइप करने में जल्दी जल्दी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, AMJ, लास्ट जो कॉलम है उसका एड्रेस है AMJ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? नंबर एक टेबल, बी नंबर सेल, सी नंबर बॉर्डर, डी नंबर बॉक्स। तो जो रो और कॉलम को जोड़ने पर बनता है उसे बोलते हैं सेल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में इक्वल प्रोडक्ट 5.8 का क्या मान होता है? ऐसे ऑप्शन आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, प्रोडक्ट है, कहीं पर सम भी दिया जाता है, कहीं पर आप लोगों को एवरेज भी दिया जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना इनका। तो 5.8 का क्या मान होगा? तो क्वेश्चन जो हो जाएगा राइट आंसर उसका वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 40। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या है? नंबर एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, बी नंबर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन और सी नंबर है ऑल्ट प्लस डी और शिफ्ट प्लस डी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपके सेल में टाइम इंसर्ट होके आ जाएगी, ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? नंबर ऑप्शन एक है कंट्रोल प्लस F4 और बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस H, सी नंबर कंट्रोल प्लस F11, डी नंबर कंट्रोल प्लस F8। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस F8, ठीक है। लिब्रो ऑफिस क्लर्क का मतलब एक्सेल, ठीक है। लिब्रो ऑफिस क्लर्क एक्सेल में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस में कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? नंबर एक ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, बी नंबर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और सी नंबर है कंट्रोल प्लस प्लस आल्ट सी और डी नंबर शिफ्ट प्लस ए। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, ठीक है। लिब्रो ऑफिस में कमेंट ऐड करने की जो शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में किसी भी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? जैसे लिब्रो ऑफिस में कोई भी सेल आपको डिलीट करना है तो वहाँ पर आप कौन सी शॉर्टकट कीज यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर कंट्रोल प्लस डी है, बी नंबर है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डी और सी नंबर है कंट्रोल प्लस माइनस, ये आप कह सकते हैं डैश, और बी नंबर है डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस प्लस। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, जैसे डिलीट करना तो आप वहाँ पर कंट्रोल प्लस माइनस वाला की आप देखेंगे कीबोर्ड में, तो एक इक्वल का ऐसे सिंबल मिलेगा, ठीक है, एक अंडरस्कोर का मिलेगा और एक आप लोगों का डैश का मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो वो सेल डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो जो लिब्रो ऑफिस क्लर्क है यानी एक्सेल, उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन वो होता है जो किसी भी नेम के लास्ट में होता है, जैसे कि आप लोगों ने .jpg .png, जैसे फ़ोटो का होता नहीं इमेज का,
उसी तरह इसका भी लिब्रे ऑफिस क्लर्क का भी एक्सटेंशन नेम होता है जिसको हम जानते हैं .ods के नाम से। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। तो एक्सटेंशन है, नेम है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, .ods। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में लिब्रे ऑफिस क्लर्क में फार्मूला रॉन्ग होने पर साइन दिखता है। ठीक है, तो जैसे कि लिब्रे ऑफिस क्लर्क में एक्सेल में फार्मूला यूज होता ही, जैसे कोई फार्मूला आप लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहीं गलत हो गया या कुछ मिस है, तो वहाँ पर इंटर करने के बाद कौन सा साइन दिखता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ABCD रहेंगे, ऐसे ही आप लोगों को सिंबल कौन सा दिखेगा कौन बताना है आप लोगों को। तो जो दिखता है उसका नाम है हैच। ठीक है, जैसे फार्मूला रॉन्ग हो जाता है तो हैच का सिंबल बन के आ जाता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क में ट्रंक और राउंड एक जैसा काम होता है। लिब्रे ऑफिस क्लर्क यानी एक्सेल में ट्रंक फार्मूला होता है और राउंड होता है। ठीक है, राउंड तो दोनों का काम सिमिलर होता है, यानी दोनों का काम एक ही जैसा होता है। तो ट्रू फॉल्स में आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स भी, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि सर कितने फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, पहले तो वो 50 मल्टीपल क्वेश्चन आते थे, 50 आप लोगों के ऑब्जेक्टिव होते थे और 50 आप लोगों के ट्रू फॉल्स होते थे, यानी कि 100 मार्क्स 100 नंबर का होता है तो 50 ट्रू फॉल्स और 50 आपको ऑब्जेक्टिव होते थे। लेकिन कुछ महीनों से रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो आप लोगों के 25 से 30 ही क्वेश्चन आप लोगों को ट्रू फॉल्स देखने को मिलते हैं और सारे आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चन यानी कि टिक करने वाले होते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन होते हैं, 25 से 30 ही क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस में पूरी सीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। तो जैसे आपको अपनी पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से ये की प्रेस करने पर क्या जो सीट है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो जी बिल्कुल राइट आंसर है, जैसे कि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस कीज प्रयोग करेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से, तो आप लोगों को सीट को सिलेक्ट होते दिखेगा। ठीक है, ट्राई करिएगा अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क में रो को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। यहाँ पर इंडिविजुअल मात्र बात हो रही कि लिब्रे ऑफिस क्लर्क में सिर्फ रो को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फाल्स। क्यों फाल्स हो जाएगा? क्योंकि कंट्रोल ए से तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बात हो रही रो को सिलेक्ट करने की। ठीक है, तो इसलिए फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क और राइटर में कंट्रोल प्लस डी का एक जैसा काम होता है। लिब्रे ऑफिस क्लर्क और राइटर यानी कि एक्सेल और एमएस वर्ड में कंट्रोल डी शॉर्टकट कीजिए होती है, उसका एक ही जैसा काम होता है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? फाल्स हो जाएगा। दोनों में अलग डिफर वर्क होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी एक्सेल में दूसरा काम करेगी यानी क्लर्क में, और राइटर यानी कि एमएस वर्ड में दूसरा वर्क होता है। ठीक है, इसलिए फाल्स हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिब्रे ऑफिस क्लर्क में अगली वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि क्लर्क में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग और भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक शीट में हम वर्क कर रहे हैं, हमें दूसरे शीट में जाना है शॉर्टकट कीज के द्वारा, तो आप वहां पर कंट्रोल प्लस टैब की प्रेस करेंगे, तो जैसे जाना है, तो जी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रू। कंट्रोल प्लस टैब आप प्रेस करेंगे तो आप एक शीट से दूसरे शीट में पहुँच जाएंगे, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो में, बस इतने क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चन चाहते हैं, आपका नेक्स्ट डे भी एग्ज़ाम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम नज़दीक है, मैं उनको जिनका एग्ज़ाम है भी या आने वाले दिनों में है, उनके लिए मैं यही कहूँगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, जिससे ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन के जो PDF है आंसर सहित वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। जिन स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसका 100% रिप्लाई देते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मेरे वेबसाइट पर भी देखने को मिलेंगे, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है यानी कि बनाई है, जो आप लोगों के लिए ही मैं बता दूँ,
ये देखो ठीक है, नहीं पता है तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर आपको दोनों देखने को मिलेंगे। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ठीक है, तो वहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर पहुँच जाइएगा, तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से भी अपनी ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है। और ये फेसबुक पेज है, अभी तक आपने हमने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, इस पर भी मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।